नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द खटक में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कमलेश सेन। दोस्तों, बाड़मेर जिले के चौहटन के डूंगरपुरी जी महाराज मठ में आगामी 29 और 30 दिसंबर को भव्य छोटे मरुकुंभ के नाम से विख्यात सुइया पोषण मेला आयोजित होने वाला है। वही इस सुइया पोषण मेले को लेकर अगर देखा जाए तो चौहटन के अंदर डूंगरपुरी जी महाराज मठ में तमाम प्रकार की जो कामकाज संबंधी तैयारियां हैं वो पिछले करीब 3 माह से लगातार जोरों पर चलती हुई नजर आ रही है। इसी के चलते इस सुइया पोषण मेले को लेकर आगामी 13 नवंबर को बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी की अध्यक्षता में एक बड़ी तमाम जिले के पुलिस प्रशासनिक तथा चौहटन क्षेत्र के तमाम अधिकारियों की बैठक आयोजित होने वाली है। इस बैठक को लेकर जो चौहटन SDM कुसुमलता चौहान है वो पूर्ण रूप से अपनी तैयारी में लगी हुई है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि सुइया पोषण मेला है जो कि आगामी 29 और 30 दिसंबर को आयोजित होगा, जिसके चलते इस मेले के अंदर इस बार अनुमान के हिसाब से करीब 10 से 15 लाख लोगों की भीड़ आने की पूरी संभावना है। आने वाले तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर किस प्रकार की तैयारी करनी है और किस प्रकार से उनकी व्यवस्था करनी, इसको लेकर भी प्रशासन अपनी हर तरीके से अलग अलग जो रूपरेखा है वो भी तैयार कर रहे हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो चौहटन के डूंगरपुरी जी महाराज मठ के मठाधीश स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज है, वो भी इस पूरे मेले को लेकर किस प्रकार से इस सुइया मेले को भव्य और शानदार बनाया जाए, इसको लेकर भी तमाम प्रकार की हर अलग अलग तरीके से तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। हर प्रकार के जो कामकाज चल रहे हैं उस कामकाज को भी पूर्ण रूप से अपनी मॉनिटरिंग के साथ भी देख रहे हैं। साथ ही सुइया मेले का जो आगाज है वो ऐसा बताया जाता है कि आगामी दिसंबर जो माह है उसकी 26 तारीख को किया जाएगा, जिसके चलते भव्य कलेक्टर की मौजूदगी में ध्वजारोहण होगा, उसके बाद एक शोभा यात्रा निकल जाएगी, उसके बाद ये जो मेला है वो शुरू हो जाएगा। सबसे जो बड़ा मेला तथा मेले का आगाज है वो 29 और 30 दिसंबर को देखने को मिलेगा। इस मेले के अंदर जो ये मेला है वो पूरे अगर देखा जाए तो राज्य का बड़ा मेला माना जाता है। इस मेले में इस बार करीब 15 लाख लोगों के आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। साथ ही इस पूरी मेले को लेकर जो हर प्रकार की व्यवस्था है, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था हो तथा मठ के आसपास तमाम प्रकार के कपालेश्वर, सुइया महादेव, डूंगरपुरी जी महाराज मठ से अन्य जो छोटे बड़े देवस्थान है उस पर भी किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाए, उसको लेकर भी तमाम प्रकार की हर जो तैयारियां है वो की जा रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस मेले को लेकर जो जिले के तमाम जो अधिकारी सहित चौहटन ब्लॉक क्षेत्र के अधिकारी जनप्रतिनिधिगण है उनकी बैठक आगामी 13 नवंबर को चौहटन के पंचायत समिति सभागार में आयोजित की जाएगी। इस बैठक के माध्यम से जो आने वाला सुइया पोषण यानी छोटा मरुकुंभ है उसकी पूर्ण रूप से रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द खटक में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कमलेश सेन। दोस्तों, बाड़मेर जिले के चौहटन के डूंगरपुरी जी महाराज मठ में आगामी 29 और 30 दिसंबर को भव्य छोटे मरुकुंभ के नाम से विख्यात सुइया पोषण मेला आयोजित होने वाला है। वही इस सुइया पोषण मेले को लेकर अगर